हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी को मोस्ट वेलकम है आदित्य एंड अजय चैनल पर। आदित्य एंड अजय चैनल को अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो, फर्स्ट टाइम देख रहे हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो बस यहाँ पर सबको मैंने ब्रश दे दिया और मैं और यहाँ पे देखिए भैया आप सबको हेलो कर रहे हैं और ये ब्रश करके रेडी हैं और हम सब अभी कर रहे हैं। तो चलिए ब्रश करने के बाद आपसे मिलती हूँ। और यहाँ पर ना बीच में मैं कुछ नहीं शूट कर पाई थी, तो फिर नहा धो के सबको मैंने खाना उना खिला दिया है। और यहाँ पे खाना उना सब खाए थे ना, तो बर्तन था, तो मैं जल्दी जल्दी ये सब जूठे बर्तन को मैं धो लेती हूँ। और देखिए यहाँ पे साइड में बच्चे का कपड़े भी थे, तो बर्तन धो के मैंने साइड कर दिया है। और बच्चे सब नहाए थे, मेरे कपड़े थे, मम्मी जी का कपड़ा है, तो जल्दी जल्दी मैं कपड़ा भी धो लेती हूँ, पानी से निकाल लेती हूँ। सरफ से मैंने धो के दो पानी से मैंने निकाल दिया है और दो पानी से और धो धो के निकालते जा रही हूँ मैं। और इसको मैं धूप में डाल दूँगी। और अभी टाइम हो रहे हैं 10 बज रहे हैं और गांव में ना जल्दी उठते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा ही टाइम मिल जाता है और 10 बजे तक ही लगता है कि दोपहर हो जाता है, इस तरह से महसूस होती है। और यहाँ पे देख सकते हो सभी कपड़े को मैं डाल देती हूँ धूप में, और आजकल धूप बहुत तेज़ है, तो बस आधे घंटे के अंदर सूख जाएंगे। और इसके बाद मैंने सारे बर्तन को धो लिया था, सिर्फ आज को खिचड़ी बनाई थी ना तो कुकर बचा हुआ था, तो मैं कुकर से खिचड़ी दूसरे बर्तन में निकाल के कुकर को भी मैं धो लेती हूँ। और अभी आया है देखिए आइसक्रीम वाला, तो बच्चे बोल रहे थे मम्मी जी मुझे आइसक्रीम खाना है, तो बस मैंने बोला कि जाओ जाके ले लो। तो अजय देखिए कटोरी लेके आया और साथ में भैया भी हैं, तो सबके लिए मैं आइसक्रीम ले लेती हूँ। और इतनी धूप में ना आइसक्रीम खाने में सच में मज़ा आता है। तो देखिए अभी अजय आपको दिखाएगा आइसक्रीम, तो एक एक आइसक्रीम उठा लीजिए आप सब भी। और यहाँ पे देखिए सब बच्चे ले लिए हैं और मेरा हिस्सा बचा हुआ है, तो मैं भी खा लेती हूँ। और इतनी गर्मी में ना आइसक्रीम खाने में सच में मज़ा आ जाता है, ठंडा ठंडा सा। और गांव में तो गर्मी पड़ रही है और लगता है मेरे ख्याल से सब जगह ही गर्मी पड़ने लगी होगी जब गांव में भी आ गया गर्मी। तो बस देखिए यहाँ पे हम सब सेल्फी ले रहे हैं आपस में ही कि आ जाओ आइसक्रीम खाते खाते सेल्फी लेते हैं। और मम्मी और भैया देखिए बाहर में ही खा रहे थे बैठ के, और हम सब अंदर आ गए थे। और यहाँ पे देखिए दोनों खा रहे हैं। यहाँ पे देखिए आज कोई आए हैं मेरे घर में मेहमान, तो अभी अभी इनको मैं पैर धुलवा के मैं घर में बैठवाई हूँ। और अभी मैं शरबत बना रही हूँ, तो बस शरबत से पहले इनको स्वागत कर लेते हैं, उसके बाद चाय नाश्ता कुछ भी देंगे। और गर्मी के दिन में ना कोई भी आता है ना हमारे यहाँ, तो पहले शरबत हो गया, नींबू पानी हो गया, ये सारी चीज़ें हम सब देते हैं, उसके बाद कुछ करते हैं। और अभी देखिए ये हमारी गोतनी लगती हैं, जेठानी है, तो यहाँ पे देखिए अब इनको पता नहीं है कि वीडियो हो रही है, वो सोच रहे हैं ना कि कोई फ़ोन पे वीडियो कॉल हो रहा है। तो देखिए कैसे कर रहे हैं। की समाचार है? हाय, की समाचार है? कहाँ? हेलो करो, हेलो हेलो। और इधर देखिए भैया है, भैया भी देखिए क्या बहुत मजाक करते हैं ना, भाभी है ना, तो थोड़ा सा इनको ऐसे कर देते हैं कि इनका नाम कोई मत लो। तो बस जा रही हूँ चाय नाश्ता बनाने के लिए, तो चलिए वीडियो में कंटिन्यू रहिए। और यहाँ पे बस शरबत उरबत तो मैंने पिला दिया था, थोड़ी सी बातें बातें हुई थी, फिर अभी मैं चाय बना रही हूँ। चाय बनाने के लिए मैंने चढ़ा दिया था, जब तक थोड़े बहुत कुछ बातें बातें आपस में कर लेते हैं ना, जब बहुत दिन के बाद 2-3 साल के बाद मैं मिली हूँ तो अच्छा लगता है जब कोई आता है। तो बस इनके लिए मैं नाश्ता उस्ता निकाल रही हूँ, चाय है, बिस्कुट है, नमकीन है। स्वागतम, सुस्वागतम, सुस्वागतम।
तो बस यहाँ पे देखिए एक मैंने ब्लाउज सिलवाया है तो उसी का नाप में देख रही थी, बोल रहे थे कि देख लो कोई ढीला उला तो नहीं है, बिल्कुल ठीक ठाक तो सिया है ना, नहीं तो अभी हम दे सकते हैं और इसको फिर सही करके दे सकते हैं, तो इसलिए मैं अभी चेक कर रही थी। मगर ब्लाउज जो है बिल्कुल परफेक्ट सिया गया था, जैसे मैंने नाप दिया था वैसे ही। और देखिए दीदी जा रही हैं और ये हमारे हस्बैंड का मासी जो है ना, मासी का बहू है, यानी मेरी सास का बहन की बहू है, तो ऐसे बोल सकते हैं मासी सास। तो यहाँ पे देखिए जा रहे हैं तो बच्चे बहुत एक्साइटमेंट में हो जाते हैं ना, मतलब वो सोचते हैं कि जब सब जाएंगे ना तो मुझे पैसा मिलेगा। तो देखिए तीनों के तीनों बड़ा खुश हो के आते हैं, अगर जाने वाले ना 5 रुपया भी दे दो ना तो बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तो बस देखिए सब बाय बाय टाटा कर रहे हैं और यहाँ पे मम्मी जी देख रहे हैं, कार्ड आई थी देने के लिए, इनका लड़का का शादी है तो बोल रहे थे कि देखिए कौन सा तारीख वाला है, तो इसलिए मैं देख रही थी। और ये देखिए इस तरह का कार्ड था। और बस यहाँ पे मैं झाड़ू लगा लेती हूँ, फिर हम शाम की डिनर की तैयारी करेंगे। तो पहले नंबर सब जगह मैं क्लीनिंग कर लेती हूँ, झाड़ू उड़ू लगा लेती हूँ, क्योंकि दिन भर बच्चे खेलते हैं ना तो हवा हवा चलता है, थोड़ा सा खुला खुला घर होता है तो थोड़ा सा धूल मिट्टी ज़्यादा ही जम जाती है, तो इसलिए पहले मैं क्लीनिंग कर लेती हूँ, झाड़ू उड़ू लगा लेती हूँ सब जगह घर बाहर, फिर इसके बाद हाथ पांव धो के फिर हम खाना बनाना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे बस घर का झाड़ू लगा लिया हूँ, तो यहाँ पे बाहर लगा लेते हैं झाड़ू। और गांव में ना शादी हो रहा है आजकल, तो गीत वो तो आ रही होगी बैकग्राउंड से, गीत की आवाज़। तो यहाँ पे बस यहाँ पे देखिए मैंने झाड़ू उड़ू लगाने के बाद, हाथ पांव धोने के बाद मैं आ गई थी किचन में, मतलब खाना बनाने के लिए डिनर की। तो यहाँ पे मैंने आलू काटा है, अच्छे से धो के पहले काट दिया, फिर से पानी में मैंने डाला है और इस तरह से, और एक भाप में लगाऊंगी, 5 मिनट के अंदर एक सीटी आ जाती है और यहाँ पर बहुत जल्दी सब्जी भी बन जाता है इस तरह से, और गैस का भी बचत होता है। तो इधर जब तक एक सीटी लग रही है आलू में, तब तक इधर मैं चावल साफ़ कर लेती हूँ, चावल सब्जी बनने वाला है तो बस चावल को भी अच्छे से साफ़ कर लेंगे, इसमें जो भी कंकड़ पत्थर हो जो भी कुछ भी है एक बार इस तरह से हाथ फेर लेते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी को मोस्ट वेलकम है आदित्य एंड अजय चैनल पर। और अभी देखिए मैं शाम का डिनर की तैयारी कर रही हूँ और इसे मैं आज आलू उबालने के लिए रख रखी हूँ, और इधर मैं चावल को चुन रही हूँ कि कुछ भी अगर कंकड़ पत्थर हो तो इसको मैं अच्छे से साफ करके, तब तक आलू उबल रहा है। हेलो करो सिमरन, हेलो करो अजय, और अजय थोड़ा सा आज ना नाराज है, रूसा हुआ है, क्या बोलते हैं, अजय को आज जलेबी खाने का मन था, बोल रहा था कि मम्मी आज मुझे जलेबी बना के दो, तो इसी चक्कर में आज थोड़ा सा नाराज है अजय, तो इसलिए। और मॉर्निंग में खिचड़ी बनाई थी और अभी मैं बनाने जा रही हूँ सब्जी चावल। तो जितना हो सके आदित्य एंड अजय चैनल को शेयर करें, सपोर्ट करें, और चलिए वीडियो में कंटिन्यू रहिए। और हमारा इधर आलू भी उबलने वाला है, तो बस यहाँ पे हमारा आलू उबल गया है, तो इधर मैं साइड कर लेती हूँ आलू को, देखिए मैं निकाल लिया हूँ साइड में है। और अभी मैं चावल धो के आई हूँ और बस चावल में चढ़ा देती हूँ और इसमें मैं पानी डाल रही हूँ, ज़रूरत के हिसाब से पानी डाल लेंगे और एक सीटी आने तक इसको हम पका लेंगे। अगर कच्चा चावल है, अरवा चावल है ना, तो एक सीटी लगाना चाहिए, और अगर उसरा चावल यानी ब्राउन चावल है यानी पक्का चावल है तो इसको 2 सीटी लगाने से चावल जो है परफेक्ट बढ़िया बनता है। तो बस यहाँ पे मसाला पीस लेते हैं, मसाला जीरा है, काली मिर्च है और लाल मिर्च है और लहसुन है, और अदरक अभी हमारे पास नहीं है तो इन सभी को हम पीस के पेस्ट बना लेंगे। तो बस यहाँ पे मसाला पीसने के बाद यहाँ पे मैं आ गई हूँ सांझ बाती दिखाने के लिए, क्योंकि सांझ हो गया है तो यहाँ पे सांझ दिखा लेते हैं पूरे घर में, भगवान जी को और पूरे घर में सांझ दिखाते हैं। तो बस यहाँ पे मैं जल्दी से सांझ उंझ दिखा लेती हूँ, फिर इसके बाद यहाँ पे मैं आ गई हूँ फिर से किचन में। तो यहाँ पे कढ़ाई में सरसों का तेल डाली हूँ, जैसे ही तेल गर्म हुआ है उसमें मैं डाल दूँगी तेज़पत्ता, उसके बाद इसमें हम कटा हुआ प्याज डाल लेंगे और प्याज को पिंक कलर आने तक अच्छे से पका लेंगे। और देखिए हमारा प्याज जो है अच्छे से
पिंक कलर आ गया है, तो इसके बाद इसमें हम बैंगन डाल लेते हैं। और बैंगन को हम 2 से 3 मिनट तक ऐसे ही ढकते हुए पकाएंगे, और उसके बाद इसमें हम आलू डालेंगे। तो यहाँ पे देखिए 2 से 3 मिनट हो गया, तो इसको अच्छे से फिर से एक बार चला लेते हैं। और आलू मेरा बॉयल है, इसलिए मैं 2 से 3 मिनट तक बैंगन को एक्स्ट्रा में पकाई हूँ, भून रही हूँ। और यहाँ पे बस आलू डाल के भी, आलू के साथ भी 2 मिनट तक और पका लेंगे। उसके बाद स्वाद के अनुसार नमक और टमाटर डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और उसके बाद हम ड्राई मसाले डाल लेते हैं, हल्दी पाउडर और अभी भी धनिया पाउडर। तो हल्दी पाउडर धनिया पाउडर डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और जो हमने मसाला तैयार किया है पीस के, हल्दी लहसुन सॉरी जीरा काली मिर्च और लहसुन, तो इन सभी को पेस्ट हम डाल लेते हैं। और अच्छे से मसाले को 5 मिनट तक, यानी तेल छोड़ने तक हम सब्जी को भूनेंगे। तो मसाले के साथ सब्जी जो है बहुत अच्छे से भून गया है, तो ज़रूरत के हिसाब से पानी डाल लेंगे और 5 मिनट और पका लेंगे, फिर हमारी सब्जी बनके रेडी हो जाएगी। तो ये है हमारा आज का डिनर, सब्जी चावल। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। बाय बाय, थैंक यू।